मुनावर फारूकी ने अपने पिता को लेकर एक इमोशनल स्टोरी शेयर की है, जिसे सुनने के बाद लोग भी इमोशनल हो गए हैं, लोग के आंसू रुक नहीं रहे। जी आखिर ऐसी क्या बात उन्होंने बताई है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। हम सब जानते हैं कि ये जो लॉकअप है, इसने अपने जिंदगी में जो उन्होंने ऐसे दिन बिताए हैं या फिर किए हैं चीज़ें, उसको बताना है कि करके, तो सभी लगभग कंटेस्टेंट अपने ज़िंदगी से जुड़ा एक एक सच सामने रख रहे हैं। अब आप बताना चाहूँगी कि जैसे प्रिंस नरूला जब से आए हैं, उनकी एंट्री हुई है, प्रिंस और मुनावर काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, दोनों साथ में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और मुनावर जो प्रिंस हैं कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुनावर को। ऐसे बात कर रहे हैं और बातों बातों में पिता की बात निकलती है, तो वो कहते हैं कि भगवान मेरे माँ बाप का उस तरीके से ख्याल रखना जैसे उन्होंने मेरा बचपन में रखा था। ये बात वो कहते हैं प्रिंस से, और कहते हैं कि मेरे पापा ने मतलब बहुत किया, मैंने बहुत किया, और उन्होंने ज़िंदगी भर गाड़ी चलाई, ड्राइवर रहे, ज़िंदगी भर उन्होंने ड्राइविंग की, ड्राइवर रहे, और मुझे उनको हमेशा ये था कि मैं गाड़ी ना चलाऊँ, मुझे कभी आज तक गाड़ी चलाने नहीं दिया कि नहीं चलाना है गाड़ी, नहीं चलाना है, और नहीं चला गाड़ी, नहीं तुझे ज़रूरत नहीं किसी की भी गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें एक डर था कि मैं भी ड्राइवर ना बन जाऊँ, वो डर उनके अंदर था। तो प्रिंस कहते हैं कि हाँ, लेकिन आज वो खुश होंगे ये देख के कि तू किस तरीके से लोगों को हंसा रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों का दिल जीत रहा है, अपने लिए स्टैंड ले रहा है, लोग तेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो ये देखकर वो ज़रूर खुश होंगे। वो भले यहाँ नहीं है पर जहाँ भी होंगे वो देख के, माँ बाप हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं, तो वो जहाँ भी होंगे तुझे इस तरीके से देख के बहुत खुश होंगे, बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। और प्रिंस कह रहे हैं कि मैं उन लोगों की इज्जत नहीं करता जिनके पास बैंक बैलेंस है, ये है, पैसा है, मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ जिनके पास माँ बाप का, माँ बाप है, माँ बाप की दौलत है, माँ बाप के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है। जी हाँ, ये बात कहते हैं और बहुत ही इमोशनल तरीके से मुनावर अपने पापा की बात कहते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग तो बहुत इमोशनल हुए हैं, आपको इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।